दोस्तों, माँ बगलामुखी उन 10 महाविद्याओं में से एक है जिन्हें तंत्र से जुड़ी सबसे बड़ी देवी माना गया है। माँ बगलामुखी के बारे में मान्यता है कि उनके दरबार में जाने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति की मनोकामना जरूर पूरी होती है। माता बगलामुखी को जीत का वरदान दिलाने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है। सभी संकटों से पलक झपकते ही उबारने वाली माँ बगलामुखी ने अपने बाएं हाथ से शत्रु की जीभ का अगला हिस्सा और दाएं हाथ में मुगदर पकड़ा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार माता बगलामुखी में इतना ज़्यादा तेज और बल है कि वे अपने आशीर्वाद से लिखे हुए भाग्य को भी बदल देती हैं। इसीलिए देश में जहाँ कहीं भी उनके पावन पीठ हैं, वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर नेता तक अपने कामयाबी का आशीर्वाद पाने के लिए ज़रूर पहुँचते हैं। जिस माँ बगलामुखी की पूजा सभी कष्टों को दूर करके कामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई है, उनकी जयंती इस साल 29 अप्रैल को मनाई जाएगी। ये दिन आपको भी करोड़पति बना सकता है, तो आप भी इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, धन संबंधी सभी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे ज़बरदस्त उपाय बताऊंगी, जिससे अगर आपकी कोई मनोकामना अधूरी रह गई है और आप चाहते हैं कि आपकी वो मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो जाए, आप धन को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं और आपकी इच्छा है कि आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो जाए, आपके घर में किसी ने बंधन कर रखा है और आप चाहते हैं कि वो बंधन खुल जाए, जिससे आपको तरक्की प्राप्त हो, नौकरी व्यापार में उन्नति हो, तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखना। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। वहीं अगर आपने इसे पूरा देख लिया तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी शुक्ला। अगर आप भारत भूमि से हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा दें, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी हर छोटी सी छोटी जानकारी आपको इस चैनल में मिलती रहती है। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो ये बगलामुखी जयंती का दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 21 दुर्वा घास लेनी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आपको सफ़ेद दुर्वा घास लेनी है। अधिकतर जगह पर हरी दुर्वा घास मिलती है और सफ़ेद दुर्वा घास मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ढूंढने से आपको सफ़ेद दुर्वा मिल जाएगी। इसके बाद बगलामुखी जयंती वाले दिन शाम को 4 से 5 बजे के बीच सफ़ेद दुर्वा घास लाकर उस पर सफ़ेद चंदन के छींटे मारकर माता बगलामुखी को समर्पित कर दें और ओम ह्रीम बगलामुखी दिव्य नमः का 3 माला जप करें। ये उपाय करने से व्यक्ति की कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अधिकतम 15 दिनों के भीतर बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाती है। आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए इस दिन से शुरू करके नीम के पेड़ के नीचे 1 कटोरी कच्चा दूध लगातार 3 दिनों तक शाम के समय रखकर आ जाना है। आपको लगातार 3 दिनों तक ये प्रयोग करना है। दरअसल नीम के पेड़ में अदृश्य शक्तियों का वास होता है, साथ ही नीम में माता दुर्गा की सभी बहनों का वास होता है। इसलिए अगर आपके घर के आसपास कोई नीम का पेड़ है तो बगलामुखी जयंती से शुरू करके 3 दिन तक लगातार शाम के समय 1 कटोरी कच्चा दूध चढ़ा देना। इस उपाय से नीम के पेड़ में रहने वाली अदृश्य शक्तियाँ आपको आकस्मिक धन प्रदान करेंगी। किसी न किसी माध्यम से आपको अचानक इतने धन की प्राप्ति होगी कि जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। ये धन आपको किसी बड़ी बिजनेस डील के माध्यम से पैतृक धन के रूप में, गिरे हुए धन के रूप में या फिर पड़े हुए धन के रूप में प्राप्त हो सकता है।
दोस्तों, अगर आपके घर में किसी ने टोना टोटका कर रखा है जिससे आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है और आप चाहते हैं कि आपके घर से उस टोने टोटके का प्रभाव खत्म हो जाए और घर का बंधन हो जाए, तो एक काम करना कि बेल की लकड़ी की कील बना लेना और इस प्रकार से आपको बेल की लकड़ी की 9 कीलें बना लेनी हैं और बगलामुखी जयंती के दिन इसे घर के 9 अलग अलग स्थानों पर ठोंक देनी है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन बेल की लकड़ी जिस घर में ठोंक दी जाती है उस घर का बंधन हो जाता है। अगर आपको लाख प्रयास के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही है, कोई ना कोई बाधा आ जाती है या इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, तो इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको 9 प्रकार की मिठाई लेनी है। साथ में आपको लेने हैं 9 प्रकार के अलग अलग रंग के फूल और इन सभी को माता बगलामुखी को समर्पित कर देना है। बाद में इस भोग को गौ माता को खिला दीजिए और जो फूल माता रानी को चढ़े हैं उन्हें मिट्टी के नीचे दबा देना है। इस उपाय से इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर आपका कोई शत्रु है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है या कोर्ट कचहरी के मामलों में आप परेशान रहते हैं, तो बगलामुखी जयंती के दिन माता को हल्दी की माला अर्पित करके उनके मंत्र ओम बगलामुखी दैव्य ह्लीम ह्रीम क्लीम शत्रु नाशम क्रू का जप करें। इस उपाय को करने पर कोर्ट कचहरी के मामलों में जल्द ही विजय प्राप्त होती है और शत्रुओं का नाश होता है। आखिर में धन आगमन का एक और जबरदस्त और पावरफुल उपाय बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हर ओर से धन की बरसात हो, हर तरफ से धन का आगमन हो, तो बगलम की जयंती के दिन साबुत धनिया में इत्र छिड़क करके उस धनिया को लाल रंग के कपड़े में बांध करके घर की उत्तर दिशा में कहीं छुपा करके रख देना है। चूंकि धनिया का सीधा संबंध धन से बताया गया है, तो ऐसे में इस उपाय से घर में धन आगमन के सभी मार्ग खुल जाते हैं। चारों दिशाओं से माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, आपको हर कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। ये उपाय हर व्यक्ति को हर साल बगलामुखी जयंती पर करना चाहिए और पुराने धनिये की पोटली को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे जीवन में कभी भी धन धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे उपाय जिन्हें बगलामुखी जयंती के दिन करने से माता बगलामुखी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से धन आगमन, इच्छित मनोकामना की पूर्ति, मनचाही नौकरी जैसी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। साथ ही गरीबी, दरिद्रता, कष्ट और धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप धनवान बन जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करें। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।